दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला इतना रोमांचक रहा कि अब तक की सारी हदें पार हो गई। यहां पे राजस्थान रॉयल्स ने 151 रन का स्कोर मारा, लक्ष्य का पीछा करने उतरी जब चेन्नई सुपर किंग्स, तो लगातार विकेट का पतन हुआ और 24 रन पे 4 विकेट गिर गए। उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। खासकर दोस्तों आपको बता दें कि धोनी ने मैच को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया। धोनी ने 3 छक्के और 2 चौके लगाए, 43 गेंदों का सामना किया। जब आखिरी की 12 गेंदों पे टीम को 32 रन चाहिए थे, तब जाके धोनी ने बल्लेबाजी करते हुए लंबे शॉट मारने शुरू किए। दोस्तों आपको बता दें, आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, तब जाके शुरू हुआ असली रोमांच। महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पे अपना विकेट गंवा दिया और उसके बाद बैटिंग करने आए सेंटनर, और वहीं पर जब बेन स्टोक ने बॉल डाली तो वो बॉल 9 बॉल थी और एम्पायर ने उसे 9 बॉल देकर मना कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा फूटा और वो मैदान में दौड़े चले आए। आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी का इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो आउट होने के बाद मैदान के बीचों बीच आके स्टोक्स और एम्पायर को बुरी तरीके से फटकार के गए। महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कहा, अगर एम्पायरिंग नहीं आती तो ना कीजिए। जब बेन स्टोक्स उन्हें रोकने आए तो धोनी ने उन्हें भी फटकार लगा दी। इस बीच राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे बीच में आए ही नहीं, उन्होंने धोनी से कुछ भी नहीं कहा। एम्पायर ने तुरंत ही धोनी से माफ़ी भी मांगी। धोनी का इतना ज़्यादा गुस्सा आज तक मैदान में देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर एम्पायर की गलती थी। जब बॉल 9 थी और एम्पायर 9 बॉल दे चुके थे, यहाँ तक कि फ्री हिट का बम्पर भी बच चुका था, उसके बाद भी एम्पायर ने 9 बॉल को इनकार कर दिया। लेकिन धोनी की यहाँ वाहवाही करनी होगी, मैदान के बीच में आए। और दोस्तों आपको बता दें, जब आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए थे तो सेंटनर ने छक्का मार के ये जीत हासिल करवा दी। कुल मिला के दोस्तों चेन्नई ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और आज के मैच में रोमांच, गुस्सा, सब कुछ देखने को मिला। वाकई में ये मैच जबरदस्त था। आपको धोनी की ये एटीट्यूड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो और भी खबर जानने के लिए।